सदर थाना पुलिस ने सोमवार देर रात को शहर में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कार्यवाही की। सदर थाना पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान पुलिस ने अंतर्राज्य गिरोह के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया है। मौके से पुलिस ने 3 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालकों को भी निरुद्ध किया है। IPS मनीष चौधरी के निर्देशन पर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में शहर के साकेत नगर क्षेत्र में की गई कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने 5.5 लाख की नकदी वाले 5 बैंक खाते भी बैंक अधिकारियों के माध्यम से ब्लॉक करवाए हैं। साथ ही 2 गमिंग ID भी ब्लॉक करवाई है। साथ ही पुलिस ने मौके से 14 मोबाइल, 2 लैपटॉप तथा 1 वाईफाई डोंगल भी जब्त किया है। पुलिस द्वारा की गई उक्त कार्यवाही के बाद शहर में ऑनलाइन सट्टे में लिप्त लोगों में हड़बड़ाहट मच गई। मंगलवार सुबह कार्यवाही का खुलासा करते हुए IPS मनीष चौधरी ने बताया कि सोमवार दोपहर में उन्हें सूचना मिली थी कि ब्यावर सिटी में एक घर में कुछ संदिग्ध चल रहा है, जिसमें 5-6 लड़के लिप्त है। जानकारी मिली है कि लड़कों के पास कुछ लैपटॉप और 10-15 मोबाइल है। चौधरी ने बताया कि यहां मौजूद लड़कों की गतिविधियों को देखकर लगा कि यहां पर कुछ ना कुछ अवैध चल रहा है। चौधरी ने बताया कि इस प्रकार की जानकारी के बाद सोमवार रात 10 बजे करीब CEO ऑफिस की टीम तथा श्री थाने की टीम के साथ संबंधित आवास पर दबिश दी तो पाया कि मौके पर कुछ लोग वर्तमान में चल रहे IPL क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टे का काम कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने टीम से मौके से 6 लोगों को दस्तयाब किया, जिसमें 3 बालक विधि के विरुद्ध संघर्षरत पाए गए। इस पर पुलिस ने भरत कुमार पुत्र श्रीनिवास माली, मुकेश कुमार बेनीवाल पुत्र श्रवण जाट निवासी खुनखुना नागौर हाल निवासी साकेत नगर तथा विनोद पुत्र गेनाराम गवारिया निवासी गायत्री नगर मेड़ता नागौर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ 13 RPGO तथा 13 IT एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये सूचना मिली थी कि ब्यावर सिटी के अंदर एक घर के अंदर कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही है, जिसमें 5-6 लड़के इन्वॉल्व हैं और उनके पास कुछ लैपटॉप्स हैं और 10-15 मोबाइल हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ को देख के और ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि ये ज़रूर कोई ना कोई लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। हमने यहाँ से जो है CEO ब्यावर ऑफिस की और ब्यावर सिटी की टीम बना के वहाँ पर दबिश देने का प्लान किया, और करीब हम कल रात में 10 बजे हमने घर पे दबिश दी और हमने वहाँ पे चेक किया तो पता चला कि यहाँ IPL के ऊपर ऑनलाइन सट्टे खेले जा रहे, और वहाँ से हमने मौके से 6 लोगों को दस्तयाब किया, जिसमें 3 माइनर थे और 3 मेजर थे, और उनके नाम हैं भरत कुमार, मुकेश और विनोद। इनमें से 1 नागौर के निवासी हैं और 2 जो है ब्यावर के निवासी हैं। मौके से हमने करीब 14 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 वाईफाई डोंगल और 2 गेमिंग ID सीज करी, और वहाँ से हमने 5 अकाउंट भी ब्लॉक करवाए, जिनमें करीब 5.5 लाख रुपए की राशि जो है वो हमने बैंक के अधिकारियों के माध्यम से सीज कराई। और इसमें ब्यावर सदर थाने के अंदर एक 420 का और 13 RPGO और IT एक्ट की धाराओं के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया।